इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हायोसिमैक्स एस टैबलेट को खाली पेट या भोजन से कम 30-60 मिनट पहले लिया जाना चाहिए। इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। अधिकतम लाभ पाने के लिए इस दवा को हर दिन एक ही समय पर लिया जाना चाहिए। डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधि तक इस दवा का सेवन जारी रखें। कब्ज, मुंह सूखना और सिर दर्द इस दवा के कुछ आम साइड इफेक्ट हैं। इनमें से अधिकांश आमतौर पर थोड़े समय में दूर हो जाते हैं। अगर आपको इनसे परेशानी होती है या ये लंबे समय तक रहते हैं तो अपने डॉक्टर या नर्स से बात करें। मुंह सूखने और सिर दर्द से बचने के लिए हाइड्रेटेड रहने या पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पीने की सलाह दी जाती है। अगर इस दवा से आपको चक्कर आते हैं तो आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए। इस दवा को लेने से पहले अगर आपको लिवर या किडनी की बीमारी थी या अल्सरेटिव कोलाइटिस था तो अपने डॉक्टर को बताएं। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर को आपके द्वारा ली जाने वाली अन्य सभी दवाओं के बारे में बता दें, क्योंकि इनमें से कुछ इस दवा को प्रभावित कर सकती हैं या इस दवा का प्रभाव उन पर पड़ सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का इलाज, दर्द निवारक, बेनिफिट्स ऑफ हायोसिमैक्स एस डिसइंटीग्रेटिंग स्ट्रिप, ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। हायोसिमैक्स एस टैबलेट का इस्तेमाल पेप्टिक अल्सर के इलाज के लिए किया जाता है। यह आपके पेट द्वारा बनाए जाने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है, जो अल्सर को और नुकसान से सुरक्षित रखता है जब वह प्राकृतिक रूप से ठीक हो रहा होता है। अल्सर के कारण क्या हुआ है उसके आधार पर आपको अन्य दवाएं दी जा सकती हैं। आपको दवा के प्रभावी तरीके से काम करने के लिए डॉक्टर द्वारा बताई गई अवधि तक इसे लेते रहना होगा, भले ही लक्षण दिखाई देना बंद हो जाए। इसे पेट में एसिड की मात्रा को कम करके अल्सर बनाने से रोकने के लिए भी डॉक्टर की पर्ची में लिखा जा सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का इलाज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बड़ी आंत कोलन का एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रोग है जिसमें आमतौर पर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। इससे ब्लीडिंग, बार बार होने वाले दस्त, गैस बनना, ऐंठन और पेट में दर्द हो सकता है। हायोसिमैक्स एस टैबलेट आपके पेट और गट आंत की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है तथा इन लक्षणों में प्रभावी रूप से आराम देता है। आमतौर पर आपकी स्थिति को सुधारने के लिए इसका इस्तेमाल अन्य दवाओं के साथ किया जाता है। जब तक डॉक्टर आपको इसे लेने के लिए कहे तब तक इसे लेना जारी रखें। इससे अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आपको नियमित रूप से इस दवा का सेवन करने की आवश्यकता होगी। इसे लेने के दौरान हाइड्रेटेड रहने के लिए फाइबर से भरपूर आहार लें, तेल या मसालेदार भोजन से बचें और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पिएं। दर्द निवारक, हायोसिमैक्स एस टैबलेट पेट में विभिन्न स्रवणों जैसे कि एसिड स्रवण में कमी करता है और पेट और गट आंत की मांसपेशियों के मूवमेंट में सुधार करता है। यह पेट और आंत में दर्द, अचानक से मांसपेशियों में आ गए खिंचाव या पेट या आंतों में मरोड़ों को प्रभावी रूप से राहत देता है, जिससे मांसपेशियों में आराम मिलता है और पेट में भोजन की गति में सुधार होता है। यह पेट में दर्द या पेट दर्द के साथ साथ ऐंठन, ब्लोटिंग और बेचैनी का इलाज करने में मदद करता है। अधिकतम फायदे के लिए इसे डॉक्टर के बताए दिशा निर्देश के अनुसार ही लें। आखिरकार, यह आपको अपनी दैनिक गतिविधियों के बारे में अधिक आसानी से जानने में और बेहतर, अधिक सक्रिय जीवन स्तर प्राप्त करने में मदद करेगा। साइड इफेक्ट्स ऑफ हायोसिमैक्स एस डिसइंटीग्रेटिंग स्ट्रिप। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। हायोसिमैक्स एस के सामान्य साइड इफेक्ट, कब्ज, चक्कर आना, सुस्ती, मुंह में सूखापन, पेशाब करने में कठिनाई, चक्कर महसूस होना, सिर दर्द, धुंधली नजर, फ्लशिंग, चेहरे, कान, गर्दन और शरीर में गर्मी महसूस होना, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता बढ़ना। हाउ टू यूज हायोसिमैक्स एस डिसइंटीग्रेटिंग स्ट्रिप। इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। गीले हाथों से स्ट्रिप्स फिल्म को न पकड़ें। इसे अपने मुंह में रखें लेकिन इसे निगलें नहीं। हायोसिमैक्स एस टैबलेट को खाली पेट लेना चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।